स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा पारित मिक्सोपैथी कानून के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर पानीपत में भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। आज सभी प्राइवेट अस्पतालों क्लिनिक के डॉक्टरों ने सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक ओपीडी सेवा बंद रखी। इसके अलावा वे सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक 6 घंटों तक लघु सचिवालय के सामने फ्लाईओवर के नीचे भूख हड़ताल पर बैठे। इसी बीच में डीसी धर्मेंद्र सिंह को ज्ञापन भी सौंपा। आईएमए की इस भूख हड़ताल में इंडियन डेंटल एसोसिएशन एनसी मेडिकल कॉलेज का स्टाफ भी शामिल हुआ, जबकि सरकारी डॉक्टर अभी तक भूख हड़ताल में शामिल नहीं हुए। आईएमए पानीपत के प्रधान डॉक्टर वेद प्रकाश ने बताया कि भारत सरकार और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा मिक्सोपैथी कानून पारित किया गया है। इस कानून में आयुष चिकित्सकों को भी 58 प्रकार की सर्जरी करने का अधिकार दे दिया है। एक अच्छा सर्जन बनने में पढ़ाई के बाद 5-6 वर्ष का समय लग जाता है। सरकार आयुष के चिकित्सकों को 2 साल का प्रशिक्षण देकर सर्जरी की अनुमति दे रही है। इससे एलोपैथी में प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सकों का आर्थिक अहित होगा, मरीजों के जीवन से भी खिलवाड़ होगा। डीसी को प्रधानमंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। सरकार को अपना फैसला वापस लेना चाहिए। डॉक्टर पंकज मुटनेजा ने बताया कि 20 डॉक्टर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। मिशन पिक हेल्थ, इंडियन डेंटल एसोसिएशन, एनसी मेडिकल कॉलेज की जूनियर विंग व रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के साथ रही। आईएमए से जुड़े सरकारी डॉक्टरों ने हड़ताल में शामिल होने का अभी निर्णय नहीं लिया है। हड़ताल पे है, ओपीडी आप लोगों ने बंद की है, तो ये ऐसा क्यों? क्योंकि वो भी तो डॉक्टर जो आयुष वाले हैं वो भी आपके बीच से निकले हुए हैं, वही संस्था है आईसीसीएम जिन्होंने उनको अप्रूवल दी है। संस्था वही है लेकिन वो निकले एक ही इंस्टीट्यूशन से नहीं है, वो आयुर्वेदिक कॉलेज से निकले हैं, हम एलोपैथी कॉलेज से निकले हैं। हमारी जो 10 साल 12 साल की ट्रेनिंग हुई है वो एलोपैथी की ट्रेनिंग हुई है, उनकी जो 10 12 साल या 5 साल या 4 साल जो भी ट्रेनिंग हुई है वो आयुर्वेदिक की ट्रेनिंग हुई है। अब 12 साल ट्रेनिंग के बाद और 4 या 5 साल की ट्रेनिंग के बाद आप दोनों को एक ही काम करने के लिए कह रहे हैं। चलो उनकी बात मैं छोड़ देता हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ। मैं अगर आयुर्वेदिक की प्रैक्टिस करने जाऊँ तो क्या ये न्याय संगत होगा? नहीं होगा, क्योंकि मैं उसके लिए ट्रेंड नहीं। और उन्हें आप इजाज़त दे रहे हो एलोपैथी का प्रैक्टिस करने के लिए, सर्जरी करने के लिए, ये ठीक नहीं है, गलत है, न्याय संगत नहीं है। ये मिक्स करने के विरोध में है। लेकिन जो माइनर उनको जो फैसिलिटी उसको दी ऑपरेशन करने की, माइनर की दी है, मेजर तो आप लोगों के पास नहीं। अब जो सरकार लाना चाहती है नियम, उसमें 58 तरह की सर्जरी की इजाज़त उनको दी जा रही है और वो सारे माइनर नहीं है। जो माइनर सर्जरी उनकी किताबों में उनको पढ़ाई गई है, हमें उनसे पहले भी आपत्ति नहीं थी, आज भी नहीं है, आगे भी नहीं है। तो इसको लेकर आगे क्या कदम उठाएंगे आप? अगर सरकार नहीं मानेगी तो इससे कड़ा कदम उठाए जाएंगे, देशव्यापी बंद किए जाएंगे अस्पताल को। ऐसे है, सरकार हमारी सुनती नहीं है, जो काम उन्होंने करना है वो करती है। ये बिल जो उन्होंने पास किया है, एक हबड़ा दबड़ी में स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व करना चाहिए था, हमने उस वक़्त भी अपोज किया था ये चीज़। 1 लाख आदमी तालकटोरा गार्डन्स में इकट्ठा हुआ था दिल्ली में, केरला से जम्मू कश्मीर तक, गुजरात से नॉर्थ ईस्ट तक लोग आए थे, सिर्फ सरकार को ये समझाने के लिए कि आप जो कह रहे हो कि ट्रेनिंग मेरी कई और फील्ड में हुई, आयुर्वेदिक में हुई, होम्योपैथिक में हुई, मैं 6 महीने की ट्रेनिंग करके आपको सर्जन बना दूंगा मॉडर्न मेडिसिन का, इसका नुकसान क्या होएगा? एक तो जनता में कॉम्प्लिकेशन रेट बोली है जनता, किसी दोस्त ने कहा यार वो डॉक्टर नया आया उसका ऑपरेशन करता है वो बेचारा करा लेता है, कॉम्प्लिकेशन पैदा होगी, डेथ रेट बढ़ेगा। नंबर 2, आप आयुर्वेदिक को ख़त्म कर देंगे इससे, आप इससे अच्छा अगर आपने बचाना ही है इंडियन मेडिसिन को, आप उनको पैसा दीजिए, रिसर्च करें मॉडर्न चीज़ें प्रेजेंट डे की। अब ये तो नहीं हो सकता ना, स्टरलाइजेशन तुम गर्म तेल में कर रहे हो, आग से कर रहे हो, तो
उस चीज़ को प्रोपगेट करो और वो अपने फील्ड में काम करें, इंडियन मेडिसिन भी बढ़ेगी, मॉडर्न मेडिसिन में अगर आना चाहते हैं तो बंद कर दो उनको। सर ये सड़कों पर बैठना आपकी जगह नहीं है, आपकी तो जगह बड़े इंटेलेक्चुअल जगह है जहाँ पर स्वास्थ्य का लाभ मिले लोगों को, आप वहाँ बैठ के ऐसा कर सकते हैं। आपकी बात सही है, डॉक्टरों को शोभा नहीं देता सड़क पे बैठे। कोरोना से लड़ने वाले इतने शहीद हो गए, हमारे हजार डॉक्टर शहीद हो गए, आज हमारी ये व्यवस्था है कि हम सड़क पे बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि सरकार सुनती नहीं है। और जो ये कदम है, हम बेसिकली सरकार को आगाह करना चाहते हैं, ये गलत कदम है, इसको आप फिर रिव्यू करिए, रीथिंक करिए, जो जो फील्ड में ट्रेनिंग है उसको आप प्रोपोगेट करिए, मिक्स मत करिए। मरीज गुमराह होएगा। हमारी जो मेडिकल टूरिज्म है आज की तारीख में सबसे बड़ा नाम है इस कंट्री का। जिस दिन उनको पता चले कि कोई भी सर्जरी कर सकता है, ट्रेंड एंड नॉट ट्रेंड, वो भी अफेक्ट होने वाला है मेडिकल टूरिज्म पे। तो अलाउ करो, प्रोपगेट करो इंडियन मेडिसिन, हमें अच्छा लगेगा, बट डोंट गिव देम जहां वो ट्रेनिंग ही नहीं है। 20 साल लग जाते हैं डॉक्टर को, सर्जन को एक्चुअली समझने के लिए ये ऑपरेशन करना है या नहीं करना, कहां मुझे रोकना है, तुम 6 महीने में क्या करोगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज।